शूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रनिंग के लिए। शूज सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस गाइस, जो कि मैं कह रहा था, आप अगर रनिंग करते हो, अगर आपका शूज सही नहीं हो तो आपको इंजरीज होने का बहुत चांसेस रहेगा। और बहुत जन होता है, पहले पहले रनिंग स्टार्ट करता है, फिर रनिंग करते करते इंजरीज आता है, छोड़ देता है। शूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंजरीज के लिए, और ये चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा किस लिए इंजरीज आ रहा है, क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। एक्चुअली शूज़ के कारण इंजरीज आता है। बहुत जनों का पैर फुट टाइप अलग अलग होता है, एक होता है सुपिनेशन और एक होता है न्यूट्रल और एक होता है प्रोनेशन। प्रोनेशन और सुपिनेशन तो नॉर्मली रहता है लोगों का, लेकिन बहुत जनों का क्या होता है, ये सुपिनेशन ओवर रहता है। ओवर सुपिनेशन, ओवर प्रोनेशन अगर होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसलिए इसके लिए आपको जानना पड़ेगा आपका फूड टाइप क्या है। फूड टाइप आपको वेट टेस्ट करने से पता लग जाएगा क्या कौन सा टाइप का आपका फूड है, और उसी से आप पता लगा सकते हो अपना फूड टाइप। और देखिए गाइस, अभी हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो है वेट टेस्ट। इससे पता लगेगा आपका पैर का जो फुट का जो टाइप है वो पता लगेगा। गाइस, आपको वेट टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। अभी आप क्या करेंगे, कागज लेंगे और आपको पैर को वेट कर लेंगे, थोड़ा सा भिगा लेंगे। भिगाने के बाद इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद आपको आपका पैर का शेप आपको मिल जाएगा, आपका पैर किस शेप का है। हाँ, अब देखिए इधर शेप आपको पता लग रहा है। ये शेप इधर जो है, अगर ये आर्च इधर अगर ज़्यादा रहा तो ये हो जाएगा सुपिनेशन, फिर आपको आपका पैर बाहर की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है, इसलिए ये हो गया सुपिनेशन। अगर ये फिल रहा, ये वाला पोर्शन अगर फिल रहा, तो ये होगा ओवर प्रोनेशन। ओवर प्रोनेशन मीन्स फ्लैट फुट, फिर आपका इनवर्ट की तरफ पैर जाएगा, ऐसे जाएगा। और सुपिनेशन में ऐसे होगा इन, और जो ओवर प्रोनेशन होता है, ओवर प्रोनेशन में आपका पैर इस तरफ जाएगा। और न्यूट्रल में क्या होता है, आपका सीधा सीधी आता है। हाँ, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, ओवर प्रोनेशन, सुपिनेशन और एक है न्यूट्रल। आपको इसमें से आपका पता लगने के बाद आपको शू सिलेक्शन के लिए बहुत ही आसानी रहेगा। और किस फुट टाइप के लिए कौन सा शू चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपका ओवर प्रोनेशन है, अगर आपका ओवर प्रोनेशन है तो आपको स्टेबिलिटी शू चाहिए होगा, स्टेबिलिटी और मोशन कंट्रोल। अगर आपका न्यूट्रल है तो कोई भी नॉर्मल शूज़ जो भी है वो चलेगा। लेकिन सुपिनेशन है तो आपको चाहिए होगा कुशनिंग शूज़। और कुशनिंग शूज़ में कौन कौन सा ब्रांड आता है, बहुत सारा है। ब्रुक का आता है, फिर नाइकी का कुशनिंग उतना अच्छा नहीं है। और स्केचर्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है, स्केचर्स का कुशनिंग शू रहता है। लेकिन कुशनिंग होने से जो आपको अच्छा होगा ये भी नहीं है। कुशनिंग होने से और एक प्रॉब्लम होता है, स्पीड में प्रॉब्लम आता है। कुशनिंग होने से आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, जितना ज़्यादा कुशनिंग होगा पावर उधर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए ज़्यादा कुशनिंग भी अच्छा नहीं है। इसलिए सोल को थोड़ा सा हार्ड रहना भी अच्छा होता है, और नाइकी जो करता है, इसलिए नाइकी का शूज़ उतना कुशन भी नहीं होता है और उतना हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट होता है। आप ट्राई कर सकते हो नाइकी का शूज़, मैंने किया है, अच्छा है। नाइकी का रहा हूँ वो है एसिक्स का ये GT 1000। ये भी अच्छा शू है, बहुत रिलायबल है, बहुत दिन टिका, एक साल हो गया, लेकिन मैं ओवर यूज़ कर रहा हूँ। जनरली एक शूज़ को आपको कितना दिन टिकना चाहिए, जनरली वन शू आपका 700 to 800 kilometers, उसके बाद उसका सोल का जो पावर होता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी यूज़ करते हैं। अब आपको दो तीन चीज़ बोलता हूँ। ये शू का हील होता है, ये हील हो गया, ये मिड फुट होता है और इसको टो बॉक्स कहते हैं और इसको फोर फुट कहते हैं। अब देखिए इधर दो तीन चीज़ बातें होता है, हील ड्रॉप टू टो मीन्स ये हील का जो ड्रॉप है इससे टो कितना दूर जाएगा, इसको कहते हैं हील ड्रॉप टू टो। और जनरली ये होता है 0 to 14 mm का होता है, इसको मेजर करते हैं mm में। जीरो जो होता है वो होता है मिनिमलिस्ट होता है। मिनिमलिस्ट होने से क्या होगा, फिर उसको नेचुरल रनिंग फॉर्म का फीलिंग्स आएगा, नेचुरल रनिंग फॉर्म का फीलिंग आएगा। और जनरली जो मैराथन में दौड़ते हैं फास्ट स्पीड, उन लोगों का 0 to 4 mm का होता है, 0 to 4 mm का। उसमें क्या होता है, स्पीड ज़्यादा मिलता है। और लॉन्ग डिस्टेंस रनर, अल्ट्रा रनर जो लोग होता है, उन लोगों का होता है 4 to 7 होता है। देखेंगे ब्रुक में 4 to 7 होता है, फिर और भी बहुत सारा ब्रांड है, हॉका,
हाँ ये सब में आपको 4-2 अंडर आर्मर ये सब में आपको 4-7 का मिलेगा। एडिडास में भी है, नाइकी में भी है ड्रॉप 4-7 का, और 14 का मैंने अभी तक नहीं देखा है 4-7। अब एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, सबका बॉडी अलग है, सबका बॉडी का मेकनिज़म अलग है और रनिंग फॉर्म अलग है। हम लोग ट्राई कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल जो रनिंग फॉर्म है वो नेचुरली रहेगा, हम लोग उसको फुल्ली चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए क्या कर सकते, हम लोग सपोर्ट कर सकते कैसे, उसको मिनिमम करके हम लोग इंजरी फ्री रनिंग कर सकते। जैसे क्या होता है, आपका अगर हिल स्ट्राइक है, आपका नेचुरल फॉर्म हिल स्ट्राइक है, तो आप 4 फुट मिड फुट स्ट्राइक करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आपका ये जो हिल होता है और ये जो हिल होता है थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, इसमें सपोर्ट रहे, इसलिए आपको फिर जो शिन स्प्लिंट होता है, नी इंजरीज होता है, वो होने का चांसेस। हिल ड्रॉप टू टो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इससे इंजरी फ्री भी हो सकते हो और इंजरी भी हो सकता है। अगर आप हिल स्ट्राइक करते हो तब आपको फिर हिल ड्रॉप चाहिए 4-7 या 5-7 का, थोड़ा थिकनेस होना चाहिए इधर, वरना आपका क्या होगा, प्रेशर पूरा हिल में आएगा, हिल से नी में जाएगा, फिर शिन स्प्लिंट होगा। शिन स्प्लिंट जो इधर प्रॉब्लम होता है उसको शिन स्प्लिंट कहते हैं, इधर जो होता है उसको एकिलेस टेंडनाइटिस कहते हैं, ये सब में प्रॉब्लम आएगा। जैसा मैं अगर मिनिमलिस्ट शू पहनता हूँ तो मेरे को काफ में प्रॉब्लम होता है, मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है मिनिमलिस्ट शू। मेरे को क्या चाहिए, एटलीस्ट 0-4, 4-7 का हिल ड्रॉप चाहिए होता है, ये 4-7 का होगा हिल ड्रॉप। और एक चीज़ है, ये टो बॉक्स एसिक्स का, एडिडास का, रिबॉक का और हॉका का, फिर मिजुनो सुखोनी, ये सब का वाइडर होता है, लेकिन नाइकी का नैरो होता है। इसलिए नाइकी का जो जिनका पैर थोड़ा सा वाइड है उनको नाइकी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए बट नाइकी बेस्ट है, अच्छा है, नाइकी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने भी यूज़ किया है। जैसे पुराना होते जाता है आपके पैर के साथ बैठते जाता है और उसका मतलब ग्रिप बहुत अच्छा होता है, स्पीड भी आता है। और ये होता है टो बॉक्स। यस गाइस, कुशनिंग जैसे अच्छा होता है वो उसका डिसएडवांटेज भी है, ज़्यादा कुशनिंग होगा तो पावर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए स्पीड नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे सजेशन के हिसाब से थोड़ा सा कम कुशनिंग लेना सही है। अगर आप रनिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, तब कुशनिंग होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या होगा, आपका इंजरीज फ्री रहेगा, इंजरी उतना नहीं रहेगा। लेकिन जब आप मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई रेस में रोड रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब थोड़ा सा हार्ड टाइप का सोल यूज़ कीजिएगा, उसमें क्या होगा, आपको स्पीड मिलेगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप भी यूज़ कर सकते हो। गाइज, ये शू रिलेटेड टॉपिक बहुत ही लंबा है, बहुत वास्ट है, इसको कभी कवर करना बहुत सारा टाइम लग जाएगा। आपको बेसिक चीज़ देखना होगा, आपका फुट टाइप, उसके हिसाब से आपको शू लेना पड़ेगा। अगर आपका फुट टाइप है प्रोनेशन, ओवर प्रोनेशन, फिर आपको मोशन और स्टेबिलिटी में जाना ही पड़ेगा, ज़्यादातर जिसका होता है फ्लैट फुट, इसलिए उन लोगों को स्टेबिलिटी और मोशन कंट्रोल शू में ही जाना पड़ेगा, वरना वो लोग ज़्यादा रनिंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसलिए गाइस इसको ध्यान दीजिए। और एक चीज़ है, आपको ये जो स्टेबिलिटी और मोशन कंट्रोल शूज़ है, ये आपको एसिक्स में बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन और कोई ब्रांड का मैंने नहीं देखा है आपको मोशन कंट्रोल और स्टेबिलिटी शूज़ के लिए। कुशनिंग मिल जाएगा स्केचर्स का, इस ब्रांड है, ये शायद अमेरिका का ब्रांड है, स्केचर्स अच्छा ब्रांड है। स्केचर्स में आपको कुशनिंग वाला ज़्यादा मिलेगा और एसिक्स में आपको स्टेबिलिटी और मोशन कंट्रोल ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। इवन के एसिक्स में आपको ट्रेडमिल भी मिलेगा, आप उधर रनिंग करके टेस्ट करके देख सकते हो क्या कौन सा शूज़ आपको अच्छा होता है और अच्छा नहीं होता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, कभी भी आप शू खरीदते हो तो ऑनलाइन खरीदिए, बट फर्स्ट टाइम आप शोरूम में जाइए, एक बार शोरूम में जाकर अपना फुट का साइज़ दीजिए, साइज़ देने के बाद उधर से एक बार ट्रायल कीजिए, ट्रायल करके एक सेट पेयर खरीद के उधर यूज़ कीजिए, फिर आपको साइज पता लग गया उस शू का, फिर आप ऑनलाइन से खरीद सकते हो। ऑनलाइन से 30 डेज रिटर्न ऑफर रहता है, आप खरीद के पहन के टेस्ट करके अगर ठीक नहीं हुआ तो रिटर्न कर सकते हो। ज़्यादा रनिंग मत कीजिएगा, फिर नीचे क्या होगा, उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा रिटर्न। गाइस, और एक इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें से और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सॉक्स। विदाउट सॉक्स कभी मत दौड़िए, क्योंकि विदाउट सॉक्स आप अगर आप दौड़ोगे तो आपके पैर में ब्लिस्टर आएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। और
सॉक्स आप अपने हिसाब से पहनिएगा, गर्मी के सीज़न में जैसे पतला वाला सॉक्स होता है, फिर ठंडी के सीज़न में थोड़ा सा मोटा वाला जिससे आपको अच्छा कुशनिंग और वार्म मिले, आप वो देख लीजिएगा, लेकिन विदाउट सॉक्स कभी मत दौड़िएगा। और एक चीज़ है गाइस, ये जो इनर सोल है, एक इनर सोल भी होता है गाइस, ये इनर सोल का जो होता है, इनर सोल में भी एक कुशनिंग होता है, कभी कभी ये पुराना हो जाता है तो इसका आपको थोड़ा सा पैर में पावरलेस लगता है, वो इनर सोल आप चेंज कर दोगे, मिलता है इनर सोल आपको मिल जाएगा, चेंज कर दोगे थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होगा और कुछ दिन आप वो शू को पहन सकते हो। यस गाइस, आज इतना तक ही रहा शू रिलेटेड टॉपिक। आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप शू खरीदोगे, आपका फॉर्मल शू अगर 8 साइज का होगा, 8 साइज का होगा, तो आपको 9 साइज का, एक साइज बड़ा हर वक्त शूज लेना होगा रनिंग, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आपका सारा पैर की तरफ चला जाता है, और पैर की तरफ जाने से पैर थोड़ा सा फैल जाता है, फैलने से क्या होता है, थोड़ा पैर का साइज बढ़ जाता है, इसीलिए आपका अगर फॉर्मल शू के हिसाब से लोगे तो टाइट हो जाएगा शू। इसलिए आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा आपका एक साइज बड़ा शू, एक साइज बड़ा लेना होगा रनिंग, तभी आपको ये सही रहेगा आपका फिटिंग। शूज़ कैसे लेना है, क्या करना है, आपको पता लग गया होगा, और ऐसे ही टॉपिक रहेगा और भी, क्योंकि शू को लेके बहुत ज़्यादा टॉपिक है शूज़ को लेके, शूज़ से ज़्यादा इंजरी को लेके टॉपिक है, क्योंकि आप रनिंग करोगे, रनिंग क्या होता है, आपका स्पीड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फ्रिक्वेंटली स्पीड मूवमेंट ऑफ द बॉडी, आपका बॉडी क्या होता है, स्पीड से मूवमेंट करता है, इसके कारण से आपको इंजरीज आएगा ही आएगा, और इंजरी रिलेटेड टॉपिक्स ज़्यादा है, और इसको कैसे रिकवर करेंगे और क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा सब कुछ बताएंगे, और इसलिए आपको चैनल के साथ बने रहिए। और एक चीज़, आप जब रनिंग करोगे तो आपका बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आएंगे गाइस, बहुत सारा, आपका हार्ट बीट डिफरेंट हो जाएगा, कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा आपको हार्ट डिजीज़ हो सकता है, बस डॉक्टर को बोल देना आप रनिंग करते हो 10-12 किलोमीटर या जितना भी डिस्टेंस रनिंग करते हो, डॉक्टर को पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्चुअली रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, वही डॉक्टर को थोड़ा सा लगता है इसका रेस्टिंग हार्ट रेट कम क्यों हो गया और लगता है कोई डिजीज़ है, आपको एक्चुअली उनको पता नहीं होता है आपका डेली एक्टिविटी क्या है क्या नहीं है, बोल दीजिएगा पता लग जाएगा गाइस। और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा इंजरीज रिलेटेड, आपको इस चैनल के साथ बने रहना होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, सिया बाद में मिलते हैं।